नमस्कार जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज 10 से 4 बजे तक होगा मतदान। शशि थरूर के मुकाबले मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा भारी। कांग्रेस मुख्यालय और देश भर के 68 मतदान केंद्रों पर हो रहा है मतदान। 22 साल बाद हो रहे चुनाव के 19 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। प्रधानमंत्री मोदी आज किसान सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि की किस्त होगी जारी। आबकारी नीति मामले में आज सिसोदिया से पूछताछ करेगी सीबीआई। पेशी से पहले राजघाट पर की पूजा अर्चना, किया शक्ति प्रदर्शन। गृहमंत्री शाह ने एमबीबीएस के लिए हिंदी पाठ पुस्तकों का किया विमोचन। बोले इस पहल से देश भर में चिकित्सा शिक्षा में आएगी नई क्रांति। सीएम बसवराज बोम्मई के चेहरे पर ही कर्नाटक चुनाव लड़ेगी भाजपा। कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह बोले सरकार के काम से केंद्रीय नेतृत्व खुश। विदेश मंत्री जयशंकर ने मिस्र के राष्ट्रपति से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच आपसी सहयोग समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर से बोले मिस्र के राष्ट्रपति का 574 अरब का कारोबार काफी नहीं, इसे और बढ़ाया जाए। गांधीनगर में डेफ एक्सपो में भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता होगी आयोजित। साइबर स्पेस और आतंक का एक साथ मुकाबला करेंगे दोनों देश। कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद बड़ी चिंता। देश में टीकाकरण अभियान को तेज करने की कवायद शुरू। शिंदे की नई पार्टी के चुनाव चिन्ह पर सिख समुदाय को आपत्ति। दो तलवार और एक ढाल, आयोग से निरस्त करने की मांग। हिंद महासागर से निकाला जाएगा मैग्नीज जैसे खनिजों का खजाना। भारत सरकार ने की डीप ओशन मिशन की शुरुआत। 35,000 करोड़ की पीएलआई योजना पर विचार कर रही है सरकार। घरेलू विनिर्माण को मिलेगा बढ़ावा, पैदा होंगे रोजगार के अवसर। पटना में बंदूक की नोक पर दुरंतो एक्सप्रेस में यात्रियों से लूट। दिल्ली से कोलकाता जा रही थी ट्रेन, तड़के 3 बजे की घटना। भूख सूचकांक में भारत की रैंकिंग गलत तथ्यों पर आधारित। विशेषज्ञ बोले कुपोषण नहीं शाकाहार का है असर। बीएसएफ ने भारतीय सीमा के पास पाकिस्तानी ड्रोन को किया ढेर। हीरोइन के 2 पैकेट बरामद। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। कच्चे तेल की कटौती पर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ठनी। G20 शिखर सम्मेलन में प्रिंस से किनारा कर सकते हैं बाइडेन। ईरान में हिजाब बैन को लेकर बढ़ रहा विरोध प्रदर्शन जारी। सरकार धार्मिक नेताओं के खिलाफ जमकर हो रही है नारेबाजी। पाकिस्तान के उपचुनाव में इमरान की पार्टी ने हासिल की बड़ी जीत। 6 नेशनल असेंबली और 2 विधानसभा सीटों पर लहराया परचम। फरीदाबाद में 9वीं के छात्र की अपहरण के बाद ली गई जान। बदमाशों ने पिता से मांगी थी 5 लाख रुपए की फिरौती। महाराष्ट्र के पुणे में सेक्स टार्सन के मामलों में हुई बढ़ोतरी। इस साल अभी तक 1400 से ज्यादा केस आए सामने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यात गति को बनाए रखने पर दिया जोर। बोले 2030 तक 2 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लेगा भारत। राहुल ने केंद्र पर लगाया बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप। बोले छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए हानिकारक है भाजपा सरकार। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी करेगी अंतिम सूची। सभी 68 उम्मीदवारों के नाम पर आला कमान की लग चुकी है मुहर। सीएम योगी ने त्योहारों को देखते हुए सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। बोले आबादी से दूर लगाई जाए पटाखों की दुकानें। सीएम एन बीरेन सिंह ने अवैध प्रवासियों को बताया सबसे बड़ा खतरा। बोले संख्या का पता लगाने के लिए घर घर सर्वे करेगी मणिपुर सरकार। कांग्रेस और भाजपा ने की पंजाब के मंत्री सारी की गिरफ्तारी की मांग। जबरन वसूली के ऑडियो क्लिप का हवाला देकर बताया भ्रष्टाचारी। हरियाणा सीएम खट्टर ने खाद विभाग के निरीक्षक को किया निलंबित। शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने पर की कार्रवाई। गाजियाबाद नगर निगम ने खूंखार कुत्तों के पालने पर जारी की नियमावली। पिटबुल, रॉटवीलर और डोगो अर्जेंटिनो को पालने पर लगाई पाबंदी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा को बताया मुस्लिमों की सच्ची हितैषी। बोले वोट बैंक की तरह इस्तेमाल ना कर सरकार ने दिलाया बाजी वक्त। पुणे में होगी विकासशील देशों के टीका निर्माताओं की वार्षिक बैठक। 20 अक्टूबर से महामारी से निपटने की तैयारियों पर की जाएगी चर्चा। 2021-22 में रेलवे ने विशेष ट्रेन सेवाओं के किराए में की बंपर कमाई। आरटीआई के अनुसार 17,526 करोड़ रुपए का अर्जित किया राजस्व। पहली बार रेलवे को मिला स्वदेश निर्मित एल्युमिनियम मालवाहक रेक। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हल्के रेक को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के परिवार में लगाई सेंध। अब चाचा के खिलाफ प्रचार करेंगे बाल ठाकरे के पोते निहार। पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा रिश्वत मामले में गिरफ्तार। अधिकारी को 50 लाख रुपए की रिश्वत की पेशकश का लगा है आरोप। सांड और नीलगाय के हमले में जान गंवाने वालों के परिजनों को राहत। आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी योगी सरकार। बिहार के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने 9 साल बाद की घर वापसी। आरजेडी का साथ छोड़कर फिर से भाजपा में हुए शामिल। मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी गुरमीत की निशानदेही पर हथियार बरामद। डीसीपी क्राइम बोले हत्या से 10 दिन पहले की गई थी रेकी। हिमाचल के चुनावी दंगल में उतरने से पहले ही भाजपा ने डलवाए वोट। प्रत्याशी तय करने के लिए पार्टी के पदाधिकारियों ने किया मतदान।
AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बिगड़े बोल, बोले मुस्लिम दो निकाह इज्जत से करते हैं, हिंदू रखते हैं तीन रखेल। योगी सरकार के तीन मंत्रियों ने रामपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, पीड़ितों को राहत सामग्री और किसानों को चेक का किया वितरण। बुलंदशहर में तेज रफ्तार रोडवेज बस और ट्रक में टक्कर, चालक की गई जान, तीन PET परीक्षार्थी समेत 20 लोग घायल। मोतिहारी श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, होंडा एजेंसी और चौधरी फास्ट फूड से एक एक बाल श्रमिक कराए गए मुक्त। अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने लगाया जनता दरबार, पूर्वी चंपारण जिले में 126 शिकायतों का किया गया निवारण। T20 विश्व कप में नामीबिया की टीम ने किया बड़ा उलटफेर, एशिया कप की चैंपियन श्रीलंका को 55 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया ने 164 रनों का रखा लक्ष्य, जवाब में 108 रन पर ही सिमट गई श्रीलंका की टीम। ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड ने UAE को 3 विकेट से हराया, मैक्स ने 23 और कोहली ने खेली 17 रनों की पारी। UAE ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 111 रन बनाए, जवाब में नीदरलैंड ने 7 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। आज दो बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज का स्कॉटलैंड में होगा मुकाबला, T20 विश्व कप में जिम्बाब्वे के सामने आयरलैंड की होगी चुनौती। BCCI ने IPL के अगले सीजन की तैयारियां की शुरू, टीमों को 15 नवंबर तक सौंपनी होगी रिटर्न खिलाड़ियों की सूची। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद, नमस्कार।